मैं चकास ईटर। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पुडिंग। एक लिया मैंने 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड, इसको मैं साइड का काटूंगी, फिर इसको तवे पे मैं थोड़ा सा तवे पे रख के इसको रोस्ट करूँगी। ठीक है, इसके लिए लगेगा मेरे को ये है शक्कर, ये है दूध, ये है मस्का और ये है वनीला एसेंस और ये है घर का मलाई। ठीक है, और उसके लिए गार्निशिंग के लिए लगेगा मेरे को ये है काजू, किशमिश, बादाम और अखरोट ऑल नट्स। अब मैं इसको थोड़ा सा सेक, इसको रोस्ट कर ली हूँ 2 मिनट। अब मैं 2 कप दूध ली हूँ और गैस फास्ट रखी हूँ, उसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ, इसको पका रही हूँ भी। अब दूध में उबाल आया है, अब मैं इसको डाल रही हूँ जो मैंने रोस्ट करके रखा था ये ब्रेड, तोड़ के डाल रही हूँ। इसको तेल के अंदर तलते हैं असली घी के अंदर, लेकिन मैं रोस्ट करके डाल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेल हो जाए यहाँ करके। इसको पकाऊंगी 2 मिनट, मैं 2 मिनट पकाई हूँ। अब मैं इसको मिलाऊंगी मस्का, एक्चुअली बहुत अच्छा और रिच डिश है ये, अगर तुम वो स्लाइस घी के अंदर तलते तो, अदरवाइज ऑल्सो इट इज टेस्ट नाइस, डोंट हैव टू फ्राई इन द डीप ऑयल। और देखिए पानी चाहिए, वनीला एसेंस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वनीला एसेंस, और मैं मिक्स कर दी हूँ। अब मैं मिलाऊंगी मलाई, ये पक गया अभी। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और जो ड्राई फ्रूट था वो ऐड कर रही हूँ। अखरी में मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। ये बन गया हमारा स्वीट डिश, आई एम गोइंग टू सर्व। आई हूँ थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, अब मैं थोड़ा सा हनी डाल रही हूँ। अभी एक तुम थोड़ा ठंडा करके खा सकते हैं या फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। फ्रिज में रख के खाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली खाते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे को बताइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Okay, have a good day, bye.